नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो जिस प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पर पहले तो क्यूब रूट लगा है, यानी कि घनमूल लगा है, और फिर वर्गमूल लगा है। इसके अंदर है 0.000729 प्लस यहाँ भी घनमूल लगा है 0.008 को सरल कीजिए। यानी इस प्रश्न को हमें सरल करना है, यानी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस वर्गमूल को सॉल्व करेंगे। यह घनमूल तो जैसा लगा है वैसा ही लगा रहेगा। अब इसको 729 के जब गुणनखंड निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, 27 × 27 बराबर होता है 729। अब यहाँ पर दशमलव कितनी अंक के बाद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 अंक बाद दशमलव है। तो क्या लिख देंगे, 0.027 × 0.027, यानी 3 अंक बाद यहाँ कर लिया, 3 अंक बाद यहाँ कर लिया, और यहाँ वर्गमूल था तो वर्गमूल लगा लिया, प्लस जो यहाँ पर लिखा है वो जीव कहते हुए भी लिखा रहने दिया, ठीक है। अब एक जोड़े बन गए, तो यहाँ पर एक जोड़ा बाहर निकल के आ जाएगा और वर्गमूल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर घनमूल बचेगा 0.027 प्लस यहाँ भी घनमूल बचेगा 0.008। अब घनमूल है तो तीन के जोड़े बनाना है, तो 27 को जब हम सॉल्व करेंगे, 3 × 9 = 27 आता है, और 1, 2, 3 अंक बाद दशमलव है, तो क्या हो जाएगा, 0.3 × 0.3 और 0.3। यहाँ 8 को सॉल्व करेंगे, 0.2 × 0.2 और 0.2, ठीक है। तो यहाँ से 0.3 निकलेगा, यहाँ से 0.2 निकलेगा, तो 0.3 + 0.2 दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 0.5, ठीक है। तो 0.5 आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।